नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे सामने एक थर्मोमीटर है, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में दिया हुआ है। अगर आप सेल्सियस देखते हैं तो फ़ारेनहाइट भी आसानी से देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें सिर्फ सेल्सियस में दिया होता और फ़ारेनहाइट में नहीं दिया होता तो आप कैसे पता कर सकते थे कि फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर चल रहा है? या अगर इसमें फ़ारेनहाइट में सिर्फ दिया होता और सेल्सियस में नहीं दिया होता तो आप कैसे पता करते कि सेल्सियस में क्या टेम्परेचर चल रहा है? दोस्तों अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो थोड़ा टफ कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आपको टफ कैलकुलेशन नहीं करना है और सिंपल तरीके से इसे कन्वर्ट करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा सिंपल तरीके, मैं दो तरह के तरीके बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला तरीका जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर ले रहे हैं, हम टेम्परेचर ले रहे हैं दोस्तों 8 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो जब भी हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो उस टेम्परेचर में 9 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 72 आया। अब हम इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे इसमें 5 से, तो यहाँ देख सकते हैं कि 14.4 आया। अब इसमें हम प्लस करेंगे 32 से, प्लस 32, तो यहाँ देख सकते हैं कि 46.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया, यानी 8 डिग्री सेल्सियस का 46.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया। तो इस तरह दोस्तों सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ देख सकते हैं कि 18 आ गया। अब इसमें हम प्लस करेंगे 32 से, ठीक है दोस्तों, तो 50 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ गया। अब दोस्तों हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर ले रहे हैं, हम टेम्परेचर ले रहे हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। इसमें हम माइनस करेंगे, अब इसमें हम माइनस करना है 32 से, यहाँ देख सकते हैं 8 आया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 40 आ गया। अब 40 में हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 40 में हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 4.44 ये सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अब हम 52 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ले रहे हैं, इसमें हम माइनस करेंगे 32 से, अब 20 आया। अब 20 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ देख सकते हैं कि 100 आया। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 11.11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। अब दोस्तों मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है इसे कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर लेते हैं, हम टेम्परेचर ले रहे हैं 9 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, तो हमें ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा 1.8, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम प्लस करेंगे 32 से, क्योंकि 32 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 48.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर हो गया, यानी 9 डिग्री सेल्सियस का 48.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हुआ। दोस्तों एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हम टेम्परेचर ले रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, अब इसमें हम प्लस करेंगे 32 से, प्लस 32, तो यहाँ देख सकते हैं कि 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया। तो दोस्तों इस तरह बड़ी आसानी से बिना बड़ी कैलकुलेशन किए आसानी से आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर लेते हैं, हम टेम्परेचर ले रहे हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि 32 से 40 के बीच में कितने अंक आते हैं, तो आपको पता ही है कि 8 अंक आते हैं। तो हम 8 अंक में मल्टीप्लाई करेंगे 0.4
5 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
दिया और लास्ट में एक मैंने 6 लगा दिया। तो ये वैल्यू आसानी से हमें याद हो जाएगा, यानी 0.85 लगाएंगे और लास्ट में एक 6 लगाएंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 4.44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, यानी 40 डिग्री फॉरेनहाइट का 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हम 52 डिग्री फॉरेनहाइट ले रहे हैं तो 32 से 52 के बीच में कितने अंक आते हैं, तो 20 अंक आते हैं। तो हम 20 अंक में हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.58 लगाएंगे, यानी जो 5 होगा ये 8 होगा और लास्ट में एक 6 लगाएंगे। तो हमें ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 11.11 ये सेल्सियस में टेम्परेचर हुआ। तो दोस्तों इस तरह बड़ी आसानी से आप सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई बड़ी कैलकुलेशन किए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।